आदाब हैदराबाद आदाब नाजरीन दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। तेलंगाना के ज़िला महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शायर से जिन्होंने शुरुआती दौर में संजीदा शायरी फिर नातिया को शायरी से आगाज़ किया फिर अभी तंज व मज़ा की जानब रवा दवा हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर है पॉपुलर है बैनवामी सतह पर इनको चचा पालमोरी के नाम से जानते हैं तो आइए मुलाकात करवाते हैं चचा पालमोरी साहब आपका बहुत बहुत इस्कबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में शुक्रिया शुक्रिया आ, तो शुरुआत हम यूँ करेंगे कि बेसिकली आप एक गवर्नमेंट मुलाजिम होते हुए जी शायरी को जो आपने अपनाया वो किस तरह हमें ज़रूर बताएं समाज में जो गलतियां हो रही थी उसके सुधार के लिए हम कुछ करने से बेहतर ये समझ रहे थे कि कुछ कहना चाहिए जी तो उस सुधार के लिए हमने शायरी को अपनाया बस जैसे जैसे हमने माशरे के अंदर जहाँ जहाँ खामियां नज़र आ रही थी उसके सुधार के लिए हमने शायरी के ज़रिए सुधार की कोशिश करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है तो अभी चचा पालमोरी जी ये जो आपका नाम जो यूँ कहिए कि शायराना नाम है आपका जी आ, असल में आपको जो लोग नहीं जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए वो जानना चाहेंगे कि आपका असली नाम क्या है मेरा पूरा नाम अब्दुल अब्दुल्ख्यूम है मैं अनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट में वेटरनरी ऑफिसर की हैसियत से चौंतीस साल दस महीने काम किया जी रिटायर हो गया तो अब आप हमें ये बताइए कि आपको मैं चचा कहना बेहतर होगा या खयूम साहब नहीं नहीं आप सारी दुनिया मुझे चचा पालमुरी के नाम ही से जानती है तो बेहतर होगा कि आप भी चचा ही कहें जी जी बिल्कुल <laughs> चचा पालमुरी साहब सबसे पहले हमें यह बताइए कि पहले आपने जो कलाम लिखा वो किस से मुतासर होकर आपने शुरुआत की थी देखिए वैसे तो मैं पहले संजीदा कलाम लिखता रहा लेकिन जैसे ही मैं मोड़ लिया मिजाहिया और तंज़िया कलाम की तरफ तो अकबर अलाबादी से लेकर दिलावर फ़गार फिर आखिर में सुलेमान ख़तीब ये तीन मेरे दर्जा दर्ज़ा मैं चाहने वालों में हैं मेरे अच्छा नहीं नहीं लेकिन मेरा जो सवाल था कि जो मुतासर होने की बात अभी कोई भी शायर से आप जैसे इंस्पायर होते हैं किसी का कलाम अच्छा दिखता है या फिर सुनने में या फिर वो लोग जो पढ़ते हैं जी तो वो मैं दरियात करना चाह रहा हूँ सलेमान खतीब है मेरे लिए जी जी तो बहरहाल गुफ्तु तो जारी रहेगी जी जी शुरुआत आप किस तरह अपना कलाम पेश करेंगे वो हमें ज़रूर बताएँ अब इस हलिये में देख कर लोग ये समझते हैं कि ये कोई संजीदा शायर होगा जी लेकिन मुझ में तंजो तंजुमज़ा भरी हुई है बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरे इस शेर से मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूँ ज़रूर मेरे हुलिए पे न जाओ सुनो अशुआर मिया आ क्या बात मेरे हुलिए पे न जाओ सुनो अश आर्मिया कैसे सजता है यहाँ उर्दू का बाजार मिया क्या बात कैसे सजता है यहाँ उर्दू का बाजार यहाँ क्यों लगे रहते हो दिन रात मोबाइल में फजूल क्या कहने कहना क्यों लगे रहते हो दिन रात मोबाइल में फजूल जिंदगी कैसे गंवा देते हो बेकार मियाँ जिंदगी कैसे गंवा देते हो बेकार मियाँ आँख और कान ही क्या और भी इससे आगे आँख और कान ही क्या और भी इससे आगे क्या बताऊं के हुआ किस तरह बीमार मिया क्या बात है क्या बताऊं के हुआ किस तरह बीमार मिया वाकिया है ये कहानी न सदाकारी है वाकिया है ये कहानी न सदाकारी है मैं जो कहता हूँ सुनो ग़ौर से एक बार मियाँ मैं जो कहता हूँ सुनो गौर से एक बार मियाँ मेरे हुलिए पे न जाओ सुनो अशार मियाँ बिल्कुल आपके हम होलिए पे नहीं जाएंगे बल्कि आप के कलाम को हम जरूर सुनेंगे और हमारी ऑडियंस भी काफ़ी इंजॉय करेगी सभी नाजरीन जी जी तो चाचा हमें यह बताइए कि शुरुआत जिस तरह आपने बताया कि संजीदा शायरी से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया या शायरी जी. का आगाज़ किया तो क्या वजह रही कि आपको संजीदा शायरी में वो नाम नहीं मिल पाया या फिर आप तंजमिदा की तरफ आप रागिब हुए देखिए संजीदा शायरी के लिए सामयन कबूल करने के लिए बहुत वक्त दरकार है लेकिन जैसे ही सीधे सीधे तंज व के शायर की शायरी सीधे सीधे सामीज तक पहुँच जाती है बस इसको बुनियाद बनाकर मैंने तंज़ मजाक की शायरी को शुरू कर दी नहीं लेकिन एक बात है चचा, कि आपने जिस तरह बताया कि तंज़ मजाक की जो शारी होती है अक्सर हम जो देखते हैं कि जितने भी तंज़ मिजा के शोरा हजरा से मैंने बात की जी वो कहते हैं कि भाई संजीदा शायरी से ज़्यादा काफ़ी टफ होता है तंजु मिदा की शायरी करना बिल्कुल दुरुस्त है ये बात तो बहुत दुरुस्त है संजीदा शायरी से बहुत ज़्यादा टफ है तंजु मिदा की शायरी लेकिन फिर आपने बताया कि बिल्कुल आम लफ्ज़ों में आप जो है मजाया शायरी हम कर सकते हैं जी जी। और लोगों तक वो बात पहुँच आसानी से पहुँचा सकते हैं यही आपका कहना है बिल्कुल तो बहरहल मैं इतफाक़ करता हूँ कि आप आप भी बहुत बड़े शायर हैं तंजो मिज़ा के मैदान में अलहदिल्ला और बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने लिखे हैं तो एक शायद किसी एक मुशायरे में मैंने मैंने भी सुना था लुट्टी वुट्टी क्या है वो आपने नहीं नहीं लुट्टी की मैंने कभी लुट्टी की बात और कभी पुट्टी की बात नहीं की नहीं।, नहीं जी जी वो सेंधी वाला कुछ एक हाँ वो मेरे एक साथी कोरंगल के थे शमशीर कोरंगली अच्छा वो उन्होंने लिखा था और बहुत चालीस साल तक वो लोगों को तो वो लोटी से पिलाते रहे <laughs> आपने कभी ऐसी जरूरत नहीं की नहीं की या फिर होली की वजह से आपने नहीं, इस... नहीं हम पीने की जरूरत नहीं की तो पिलाने की जरूरत <laughs> क्या करेंगे <आगा? laughs> नहीं नहीं मैं तो खैर आपको मजा अंदाज में बता रहा था जी।, जी। तो बहरहाल जो आपके मशहूर कलाम है उनमें से एक कलाम हमें ज़रूर नवाजें वैसे तो मेरे बहुत मशहूर कलाम बहुत हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीदा चीदा कुछ अशार आपको सुनाऊँ मैं अच्छा मेरी एक नजम बहुत मशहूर हुई करिश्मे मोबाइल फ़ोन के जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है उसके जो करिश्मे हैं मैं आपको एक दो एक करिश्मे आपको मैं सुना देता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी नहीं मोबाइल आज हर एक की लाइफ में जुड़ा हुआ है जी जी और एक कमज़ोरी सा बन गया है जी जी बगैर मोबाइल के तो हम रह नहीं सकते जी है ना चाचा उसके बावजूद देखिए मोबाइल में खूबियाँ भी हैं खामियाँ भी हैं बेशक मैं मोबाइल की जो खामियाँ हैं जिससे यानी हमारी नस्ल बिगड़ने का डर है मैं उसको कुछ कलम बंद किया हूँ बस वो देख लीजिए टूट गए कमरा कट गए ना का सुनते सुनते थक गए काना सा समंदर पार के बाता टूट गए कमरा कट गए ना नाका सुनते सुनते थक गए काना सा समंदर पार के बाता किसकी तलब में है मिसकाला स्केच है सब इसके कामा इसके, है सब, <laughs> इसके, कामा, है? इसके है सब इसके कामा स्केच है सब इसकेच कामा आम के झाड़ को लग रही जामा क्या बात है बहुत नाचरी गा रहे नकली हु पादा नीसा सारे गामा आम के झाड़ को लग रही जामा नाचरी गा रहे नकली हु पादा नीसा सारे गामा दो जख्मे जन्नत के खाबा स्केच है सब इस्केच कामा इस्केच है सब स्केच कामा हाथ बिजी है कान बिजी है होड बिजी है ध्यान बिजी है पूरा ही इंसान बिजी है हाथ बिजी है कान बिजी है होन बिजी है ध्यान बिजी है पूरा ही इंसान बिजी है हो रही नहीं सो भी कामा स्केच है सब स्केच कामा स्केच है सब स्केच कामा एक खास करिश्मा सुन लीजिए जी घर की छत पो चुपके चुपके घर की छत पो चुपके चुपके दुबले पतले हट्टे कट्टे क्या किच कर रहे हैं पोटिया पोटे घर की छत पो घर की छत पो चुपके चुपके दुबले पतले हट्टे कट्टे क्या किच कर रहे हैं पोटियाँ पोटे कलिया सारी बन रहे फूला स्केच है सब स्केच कामा स्केच है, है सब स्केच कामा स्केच है सब स्केच कामा अग्द पढ़ाने खाजी आया दूल्हा कान से फोन लगाया बात बड़ी तो बारह बजाया अगद पढ़ाने खाजी आया दूल्हा कान से फ़ोन लगाया बात बड़ी तो बारह बजाया ठंडे पड़ गए सारे देगा इसके है सब इसकेच कामा इसके है सब इसकेच कामा कहाँ की रह को कहाँ की बता रहे फोना पे लोग घुमा रहे क्या बात है की रहे को का की बता रहे फोना पे लोगों को घुमा रहे झूठे खस्मा खाते जा रहे क्या बात है को की बता रहे फोना पो लोग घुमा रहे झूठे खस्मा खाते जा रहे मंजिल से बेगाने लोग है सब इसकेच इसके इसकेच सब इसके है सब इसके कामा एक और खास करिश्मा चिच्चा टिंका दौर है यारो इंटरनेट पो सब कुछ देखो पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ो चिच्चा टिंका दौर है यारो इंटरनेट पो सब कुछ देखो पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ो दिमाग लग को जा किताबा स्केच है सब स्केच कामा स्केच है सब स्केच का मा मख्ते का मुलाजा हो पूरी नज़म नहीं सुना रहा हूँ मैं जी बिल्कुल इसके, सब इसके Allah, Allah, है सब इसकेच कामा अल्लाह अल्लाह रात हुई है कैसी ये सौगात हुई है चिच्चा से जब बात हुई है अल्लाह अल्लाह रात हुई है कैसी ये सौगात हुई है चिच्चा से जब बात हुई है चच्ची भुन रहे मुर्ग के टांगा इसके है सब इसकेच कामा इसके है सब इसकेच कामा अब कंक्लूजन पे आई है ये तो खामियां थे एक खूबी भी मैं बयान कर दूँ मोबाइल फ़ोन तो एक नेमत है ये न समझना ये आफत है छोटे बड़ों की ये हाजत है मोबाइल फ़ोन तो एक नेमत है ये ना समझना ये आफत है छोटे बड़ों की ये हाजत है रब ने दिए हैं सबको फोना इससे लो बस अच्छे काम इससे लो बस अच्छे काम क्या बात है तो ये आपने जिस वक्त मोबाइल आया था जी जी। तब ये कलाम लिखा था जी जी। और लोग आज भी इस कलाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी जी। है ना जी जी तो एक बात है चचा जिस तरह आप पालमोर याने महबूब नगर से आपका ताल्लुक है जी जी। तो अजला में उतने ज़्यादा मुशायरे हो नहीं पाते जी जी उतनी ज़्यादा महफ़िलें सजाई नहीं जाती तो एक शायर बहसियत शायर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो नया कलाम या फिर आप कुछ लिखने की कोशिश करते हैं जब आपको मुशायरे रोज़ाना या फिर हफ्तावारी तौर पर कलाम पढ़ने का मौका नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं हम क्या ये शायरी यहीं की यहीं रुक जाती है या फिर आप रेगुलरली कुछ नया अपना कलाम लिखते रहते हैं जब कभी कोई भी नया कलाम हो जाता है तो कोशिश इस बात की हम करते हैं कि नए से नए मुशायरे में सुनाते चले जाएं, लोगों तक तो पहुंचाते जाएं। अब अल्लाह का करम है कि तमिलनाडु महाराष्ट्र आंध्रा और तेलंगाना ये चार रियासतों में बहुत सारे मुशायरे मिले मुझे सैकड़ों में मिले कोई ऐसी बात नहीं है कि दो चार मुशा तक तो हम महदूद हैं महदूद नहीं हैं जी अल्लाह का करम है कि बहुत सारे मुशायरे पढ़ने में आए और जहाँ कहीं भी गए हम नए कलाम के साथ फरमाइश पर पुराना कलाम भी सुनाते रहे नहीं रहे। वो तो देखिए जो शुरा हजरात को मौदू किया जाता है जी बेसिकली जो आपका कलाम पॉपुलर हो जाता है जी उस बेस पर ही आपको मुशारे में दावत दी जाती है और फरमाइश भी की जाती जी जी वो तो ठीक है लेकिन मैं यही ज़रूर जानना चाह रहा था कि भाई क्योंकि देखिए आपका ताल्लुक महबूब नगर से है वहाँ पर उतने ज़्यादा मुशायरे हो नहीं पाते नहीं होते हैं लेकिन मतलब क्या इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते नहीं लेकिन शायद तो बराबर महीने दो महीने में बराबर मुशायरे होते रहते हैं जी जी अच्छा जिस तरह आपने अभी गुफ्तु के दौरान बताया कि भाई तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र अलग अलग मकामा पर आपने मुशायरे पढ़ा तो सबसे ज़्यादा अच्छी ऑडियंस या फिर यूँ कहिए कि सामाइन आपको कहाँ की लगी जो मजा शायरी को पसंद करती हो देखिए बहुत ज़्यादती होगी सामाइन की बात अगर करें हम जहाँ कहीं भी गए हज़ारों में सामाइन मिले लेकिन हैदराबाद के जो सामाइन हैं वो, वो ऐसे सामाइन हमें कहीं नहीं मिले तो यहाँ पर जो लोग जिस ने समात का जो लोगों में यहाँ पर शोर है कहीं और इतना शोर कहीं और नहीं मिला हमको अब जो दूसरे मकामा पे मुशायरे होते हैं बेसिकली तो वो मुशायरों में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता नहीं मिल जाता माशाला देखिए ये दखनी जुबान और ये जो इलाखी ज़बान है आप कहीं भी जा कर कलाम पढ़िए रिस्पांस तो बराबर मिलेगा आपको देखिए वनमबाड़ी है और सेंट्रल चेन्नई है वहाँ आपको बराबर लोग सुनेंगे ज़रूर और महाराष्ट्र में भी बराबर सुने हैं अच्छा हाँ तो जहाँ आपने ज़िक्र किया दखनी कलाम का जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मशहूर दखनी कलाम आपने जो लिखा है अब ये दखनी कलाम ही तो था जो मैं आपको बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं कोई और मैं वैसे तो आप दखनी कलाम ही लिखते हैं आ, सुन लीजिए कि अर्ज़ क्या है सुबह कुट को पानी भरे तो मालूम होता ये है प्योर लकड़ी सुबह कुट को पानी भरे तो मालूम होता वैसे इससे पहले फजर पड़े तो मालूम होता सुबह कुट को पानी भरे, भरे तो, तो मालूम होता इससे पहले फजर पड़े तो मालूम होता हिलते हिलते जा को वापिस आ रही हाँ क्या बात है हिलते हिलते मच्छर जाको वापिस आ हैं फौज में जाको ऐसी तो मालूम होता अच्छा <laughs> <पाँछ> फौज में जाको ऐसी <laughs> झिले तो मालूम होता दूसरों को तनखीदा करना आसान है दूसरों को तनखीदा करना आसान है झुक को खुद भी काम करे तो मालूम होता अच्छा झुक को खुद भी काम करे तो, <laughs> तो मालूम होता इनकी उनकी दावत खा रहे नामा रख रहे इनकी उनकी दावत खा रहे दावत खा रहे रहे नामा, नामा रख दावत घर में खुद भी करे <laughs> तो मालूम होता दावत है खुद भी घर में करे तो मालूम होता खामोश बैठ अब मिंजे गुस्सा नक्को दिला क्या बात है खामोश बैठ अब मिंजे गुस्सा नक्को दिला छेड़ना मुझको देख उठे मालूम होता अच्छा <laughs> छेड़ ना मुझको देख उठे तो मालूम होता।, होता सर तो मुडा रहे बैठ को तुम हजाम के पास सर तो मुडा रहे बैठ को तुम हजाम के पास ऐसे वक़्त में ओले गिरे तो मालूम होता <laughs> ऐसे वक़्त में ओले गिरे तो मालूम होता है नींद में बुढ़ा किसमी किसमी रड़ता है नींद में बुढा किसमी किसमी रड़ता है उठ को चार घड़े <laughs> तो मालूम होता फुट्टे उठको चार घड़े तो मालूम होता क्या क्या करे सो क्या नहीं करे सो देखो चीचा क्या बात क्या क्या करे सो क्या नहीं करे सो देखो चीचा महेश्वर के दिन पोल खुले तो मालूम होता क्या बात वाह 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 बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त चाचा जिस तरह आपने शुरुआत की थी संजीदा शायरी से और आप तंजोमिजा की शायरी में आप बहुत ज़्यादा तो पॉपुलर भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा तो नाम हो गया है तो हमें ये ज़रूर बताइए तंजोमिजा और संजीदा शायरी में फ़र्क के किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है देखिए अभी बताए ना कि भाई संजीदा शायरी से ज़्यादा टफ तंजोमिजा की शायरी है अब इसमें जो लोग जो शायर रमोज़ अवाब जानता है इल्म अरुज जानता है और वजन का पाबंद है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तंज़ु की शायरी अब किसी के लिए हो लेकिन मैं तो इससे मुश्किल नहीं समझता क्योंकि हमने संजीदा कलाम से शुरुआत की है तो हमारे लिए एक और मंजिल आगे मिल गई तंजु की बस इसको लिए चलते चल चलते चले जा रहे हैं आ, अगर आपको याद आता हो क्योंकि आपने शुरुआत संजीदा कलाम से जी जी. आ, की थी तो मैं चाहता हूं कि को एक संजीदा कलाम हमारे नाजर के लिए जरूर सुनाएं मैं चाहता हूँ मैं नात से ही मैंने संजीदा कलाम की शुरुआत की है जी जी तो नात्य कुछ अशार जरूर सुन नात्य अशार नात्य कुछ अशार बेशमत हैं आ है जीतने की और न खदशाहार का रुजू है जीतने की और न ख़दशाहार का जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का हशर के दिन फिक्र इसिया और ना खटका नार का हसर के दिन फिक्र इसिया और ना खटका नार का जो भी हूँ जैसा भी हूँ हूँ उम्मती सरकार का जो भी हूँ जैसा भी हूँ उम्मती सरकार का गिड़ गिड़ाता जायों ही गिड़ गिड़ाता जायों ही रोजे की जाली थाम कर गिड़ गिड़ाता जायू ही रोजे की जाली थाम कर मिल पाए जब तलक सदखा तुझे दीदार का मिलना पाए जब तलक सदखा तुझे दीदार का लैलतुल में राज से हम सब पे रोशन हो गया लैलातुल में राज से हम सब पे रोशन हो गया किसको अंदाजा था पहले नूर की रफ्तार का किसको अंदाजा था पहले नूर की रफ्तार का मख्त ला इसमें मैंने चचा का नहीं संजीदा कलाम में जो मैं अंजुम बुरहानी कहलाता हूँ जी अंजुम तखलस का इसके अंदर मैंने जिक्र किया है गर कम पड़े नेकियां गर कम पड़े अंजुम की बख्शिश के लिए नेकियां गर कम पड़े अंजुम की बख्शिश के लिए कुछ शुमार आखा करेंगे नातिया अशार का कुछ शुमार आखा करेंगे हाँ चचा हमें ये बताइए कि इब्तदाई दौर की जो शायरी और मौजूदा दौर में जो हालात पैदा हुए हैं उस तनाज़ुर में नए नए मौजुआत पर शायरी की जा रही है जी जी आ, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हाँ बिल्कुल नए नए मौजूदा के बारे में मैं कुछ अपने अशार के जरिए जो मौजूद हैं मैं उसको मैं पेश के देता हूँ काहे की शर्मो या निकले तो बंठन के मिया काहे की शर्मो है या निकले तो बंठन के मिया खुशली बासों की तो खसलत नहीं देखी जाती क्या बात खुशली बासों की तो खसलत नहीं देखी जाती वो चह लुम की हो छिल्ले वली माँ की हो भूख में किसकी है दावत नहीं देखी जाती भूख में किसकी है दावत, दावत नहीं देखी, 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 देखी जाती का दर्द न रातों का बबाल अच्छा है मशवरा मेरा सुनो एक ख्याल अच्छा है हिजर का दर्द न रातों का वबाल अच्छा है मशवरा मेरा सुनो एक ख्याल अच्छा है क्यों ना हम इश्क की तजदीद करें भी पाशा हा हा एक बार मन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, क्या बात है एक बार मन ने कहा है कि ये साल अच्छा है अच्छा अच्छा हालात हाज़रा में हर शख्स अपने आप को तंज़ से जोड़ रहा है जी कई शायर भी आ रहे हैं आ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि डिजिटल ज़माना है मोबाइल का ज़माना है जिस तरह आपने कलाम के ज़रिए पेश किया तो ये जो शायरी है चाहे आप लिख रहे हैं या बहुत सारे एक आध शेर दो शेर तीन शेर तक इसको डिजिटल अंदाज़ में पेश किया जा रहा है जी आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा होता रहेगा तो शायरी को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी या फिर जवाल फूसी हो जाएगी जी के साहब मैं ये चाहता हूँ कि माशरे में जो ख़ामियाँ हैं उस पर नज़र रखते हुए नए नए मौजूद पर शायरी होनी चाहिए अगर आप पुराने मौजूद पर ही अगर आप उसको ही अपनाते रहें तो फिर हम शायरी के ज़रिए नई नस्ल को पयाम नहीं दे सकते जैसे हमने मोबाइल फ़ोन की खामियों पर कलम उठाया और हमने बात जो हमें कहना था हमें जो खामियां नजर आई वो अपने नजम में हमने बयान कर दी ये अलग बात है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। मेरा सवाल ये था कि देखिए डिजिटल ज़माना है मोबाइल पे आप देखिए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं उसमें हम जो शायरी देखते हैं हालांकि आप ही का कलाम होता है नौजवान नस्ल उसको जो नए ढंग से पेश कर रहे हैं तो क्या इससे शायरी को परवान चढ़ने में मदद मिलेगी या जवाल पजीर हो जाएगी क्योंकि देखिए आपका जो कलाम है आठ अशार पर मुश्तमिल होता है लेकिन ये डिजिटल का ज़माना है उतना टाइम लोगों के पास नहीं है तो वो एक आध शेर या दो शेर रख के अपनी शायरी रट्टा घुमा देता है रील बना देता है जो आप सवाल कर रहे हैं अब बात मेरी समझ में आ गई आठ आठ शेर दस दस शेर कहने के बजाय आप चाहते हैं कि एक शेर में बात मुकम्मल कर दें बात को ख़त्म कर दें नहीं नहीं-नहीं, मैं आपके कलाम आपने जो पेश किया वो वाकई ज़बरदस्त है लेकिन नौजवान नस्ल डिजिटल के ज़माने में उतने पूरे कलाम को नहीं ले पा रही है रील बनाने के लिए सिर्फ एक का शेर या दो शेर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या शायरी को फोकियत मिलेगी बढ़ावा मिलेगा अब देखिए फोकियत और बढ़ावा देना या फोकियत हासिल करना या मिलना सामाइन के हाथों में अब एक शायर एक नज्म बड़ी लिख देता है उसमें से एक आद बन ले, ले लेते हैं सामाइन, जी बस उसी को लिए चलते हैं बहुत क्या ख़ूब कहा है यार ने क्या खूब कहा है वो बंद बड़ा बेहतरीन है बस इसी को रटते मारते रटा मारते रहते हैं उसका इलाज तो नहीं है कैसे इलाज करेंगे बताइए आप नहीं इलाज बेहतर है कि जो भी आपका जो मशहूर कलाम होता है तो अभी देखिए आज जो भी मुशायरे होते हैं इस ताल्लुक से हम बात करेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रुकना चाहूँगा तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मख्तसर से वक्फ़े के बाद आदाब हैदराबाद वक्फ़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आदाब हैदराबाद प्रोग्राम के तहत आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महबूबा नगर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर तंज मिजा के शायर चचा पालमोरी साहब से चचा आपने इब्तदाई दौर की बातें बताई और इब्ताई की जो शायरी आपने की उस बारे में बताया आ, बड़ी खुशी हो रही है तो अभी आज के जो जनरेशन में आज के माहौल में जो अभी जो शायरी का अंदाज़ तब्दील हुआ है उस बारे में हमें ज़रूर बताएं क्योंकि पहले के ज़माने में जो शायरी होती थी हुस्न की बातें जी <laughs> लेकिन आज मौजूद पर शायरी होने लगी है आ, आजकल जो शायरी मौजूदा आजकल की शायरी के जो मौजूद है ना बर्निंग टॉपिक अभी जो दुनिया के अंदर जैसा जैसे, जैसे तब्दीलियाँ आ रही हैं उस पर शायरी हो रही है तो उस पर से अब देखिए मिसाल के तौर पे एक और मैं आपको माशरे की नौजवानों की खामी के मुतल एक मैं चार मिस्र सुनाता हूँ अजीब जोर है हम साए भाई जानी का अजीब जोर है जोर है हम साए भाई जानी का हमी पेठाते हैं वो खहर मुर्ग बानी का हाँ 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 हा। क्या बात हम ही हैं वो खहर मुर्ग बानी का वो अपनी मुर्गी को छोड़ेंगे दर बदर चुगने हमारे मुर्गे पे इल्जाम छेड़खानी का क्या बात है साहब बहुत बहुत सारे क़राम ने बीवी को मौजू बनाकर कलाम लिखा है बेशक लिख भी रहे हैं लेकिन बीवी चचा की नज़र में क्या है जी जरूर उसका उसका मुखाम क्या है जी मैं आपको चार मिसरों में सुना देता हूँ तो क्या चचा को घर बीच पहुँचना है <laughs> अपनी घर वाली से नाराज़ नाराजू मैंने आ, अपनी घर वाली को अपनी घर वाली से नाराज़ हो माना मैंने हो के बेजारी ये कहते हो के मर जाएंगे साथ छूटेगा ना जन्नत में भी बीवी का चिचा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे <laughs> अच्छा है जबरदस्त है इस तरह की बात होती है अब ये नए नह, दौर की बात अब क्या है कि अब जैसे आप बता रहे थे डिजिटल दौर है डिजिटल दौर में सामे ये चाहता है दो मिसरों में बात ख़त्म हो जाए और उसको रोज़ाना वही बस जहाँ कहीं माशरे में चला सोसाइटी में गया उसी शेर को वो लोग रिपीट करते रहते हैं करते और रहते हैं। तो रिपीट करने वाले शायरी जो है रिपीट करने वाली जो शायरी है वो इस तरह की हो सकती है ये मेरा ई खान है मैं आपको यानी पूरी गजल ही सुना देता हूँ मैं चिचाने खोल रखी है दुकान खुले में चिचाने खोल रखी है दुकान खुले में चिचाने खोल रखी है दुकान खुले में और भतीजे थूकते हैं खा के पान खुले, खुले में हाय हाय हाँ हाँ। भतीजे थूकते हैं खा के पान खुले, खुले में।, में दिले हजीमे समा जाए तो बता दूंगा दिले में समा जाए तो बता दूंगा डरा रहा है मुझे आसमान खुले में क्या बात डरा रहा है मुझे आसमान खुले, खुले में।, में लिहाफ ओढ़ के हुजरों में अपने सो जाए लिहाफ ओढ़ के हुजरों में अपने सो जाए भटक ना जाए कहीं अपना ध्यान खुले, खुले में, में। भटक ना जाए कहीं अपना ध्यान खुले में बरुए आई ना मुँह उनका खुल नहीं पाता आहा। बरुए आई ना मुँह उनका खुल नहीं पाता बने जो फिरते हैं एकदम महान खुले, खुले में।, में।, में बने जो फिरते हैं एकदम महान खुल्ले में।, में।, में जो मेजबान है खुद ही सिमट के सोता है जो मेज़बान है खुद ही सिमट के सोता है मज़े से सोते हैं सब मेहमान खुले में मज़े से सोते हैं सब मेहमान खुले में ये सुनिए जी दरून खाना बहुत दम दबाए रहते हैं दुरुन खाना बहुत दम दबाए रहते हैं निकाले फिरते हैं लंबी जबान खुले में, में। निकाले फिरते हैं लंबी जबान खुले, खुले में।, में बड़े मज़े से अकेले ही में खुजाते हैं बड़े मज़े से अकेले ही में खुजाते हैं खुजाने वालों का है इम्तिहान खुले में खुजाने वालों का है इम्तिहान खुले में किसी के ऐप का सुनना भी एक गीबत है सही किसी के ऐप का सुनना सुना भी, भी एक गीबत है वो ढीले छोड़ के बैठे हैं कान खुले में, में वो ढीले छोड़ के बैठे हैं कान खुले, खुले में।, में एक मुकद्दस तलमी के साथ शेर हुआ है सदा बुलंद हुई जो ही हक हाँ हुआ रोशन सदा बुलंद हुई जो ही हक हाँ हुआ रोशन हुआ जो हुक्म के अब्दे अज़ान खुले में क्या हुआ जो हुक्म के अब दे अज़ान खले में एक सुनिए बफैज़ हुसन सियासत बने हैं शौचालय बफैज़ हुसन सियासत बने हैं शौचालय वगरना चार सू दिखते निशान खुल्ले में वगरना चार सू दिखते निशान खुल्ले में।, में तुझे जो लेना है ले लेना बंद मुट्ठी से तुझे जो लेना है ले लेना बंद मुट्ठी से नखा खुदा के लिए मेरी जान खुल्ले में क्या नखा खुदा के लिए मेरी जान खुल्ले में मुनाफिकों का जब दौर है जिधर देखो मुनाफिखाओं का जब दौर है जिधर देखो दयालु बन के जो करते हैं दान खुल्ले में दयालु बन के जो करते हैं दान खुल्ले में देखो, 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 देखो या बात बहुत जबरदस्त एक सवाल ये है कि शायरी शोरा और शायर वक्तिया तौर पर अहमियत के हामिल होते हैं जी उसके बाद इन्हें कोई नहीं पूछता जी ऐसा क्यों नहीं पूछता क्या मतलब वो मर भी गया तो जिंदा रहता है ये आपका ख्याल है हाँ, कलाम के जरिए बिल्कुल नहीं नहीं लेकिन हम जो देखते हैं देखिए तकरीबन जो शोरा हजरा अपना कलाम पेश करते हैं उसकी अहमियत बढ़ जाती है जी फिर उसके बाद उस तरह के कलाम नहीं आते या फिर उनको मुशायरों में बदू नहीं किया जाता है इस पर लोग भूल भी जाते हैं ऐसा क्यों देखिए साहब अकबाल मीर ती मीर मिर्ज़ गालिब को लोग भूल गए हमारा तुम्हारा क्या है <laughs> नहीं जिस तरह आपने बताया कि देखिए आपने बताया कि शायर को अपने कलाम के ज़रिए जाना और पहचाना जाता, जाता है।, है जी और उसके जो अशार है जी लोग मुशायरों में अक्सर बशतर इस्तेमाल भी करते हैं जो नाजिम मुशायरा होता है और उसको याद किया जाता है जी ये आपका ख़्याल है जी लेकिन जिस तरह फिर आपने ही बताया कि भाई आ, मीर तखी मीर या फिर अलामा इकबाल साहब को लोग भूल गए हैं तो फिर आपकी और हमारी बात क्या है मगर ऐसा क्यों इतनी फुर्सत कहाँ है अब अभी थोड़ी देर पहले आपने डिजिटल वाली बात की ये डिजिटल लाइफ में अवाम को इतनी फुर्सत नहीं है बस या शेख अपना अपना देख ये चल रहा है थोड़ी देर के लिए मज़ा अब रही बात मुशायरे हो नहीं पा रहे हैं मुशायरे करना मुश्किल हो गया है और उर्दू ज़बान अब क्या है साहब इस वक्त दम तोड़ रही है ऐसे में फिर भी शरा कराम यानी शायद यानी अशार लिख रहे हैं लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं लेकिन ये सारा ये सोशल मीडिया आकर ये तमाम मामलत को ख़राब कर दिया वरना एक शायर को सुनने के लिए फ़लाँ मुशायरे में फ़लाँ हजरत आ रहे हैं तो लोग वहाँ तक जाके सुनते थे अब ये दौर ऐसा आ गया है घर बैठे बस मोबाइल खोल दिए मार दिए देखा बंद कर लिए सो गए अगर चचा ऐसा अगर होता रहेगा तो जो मुशायरे है या उर्दू ज़बान की हम बात करें तो धीरे धीरे मुशायरे भी ख़त्म होते जाएंगे और मुशाों का चलन भी ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि उस तरह के मुशायरे आजकल हम जो देखते हैं इनका नहीं जी हो रहे हैं क्योंकि पहले के दौर में आप देखिए पिछले दौर में जी जितने बड़े बड़े वो शायर हो करते थे आजकल कर नहीं हो पा रहे हैं ऐसे में हमको और आपको क्या करना क्या चाहिए बस क्या जारी रखना चाहिए खिदमत को लिखने की खिदमत भी जारी होना चाहिए और सुनने के लिए भी लोग आगे आना चाहिए लिखने वाला कितना लिखेगा बयाज में क्या बंद करके रखेगा वही तो मैं जानना चाह रहा था कि भाई देखिए आप तो लगातार लिख रहे हैं जी लेकिन अगर आपको सामयी ना मिले या फिर मुशायरे इन इन्हें, इन्हें खादी नहीं हो रहा है मुशायरों का खड़े खड़े बैठे बैठे नुक्कड़ों पे भी सुनाना शुरू कर देना <laughs> ये अच्छा है नुक्कड़ पे भी मुशायरा होना <laughs> अच्छा तो शायरे बहरा देखिए मुशायरे इस वक्त क्या है इतने बड़े मुशायरे नहीं हो रहे हैं जो मैंने लोग कह रहे हैं मैं नहीं समझता जो भी हो रहे हैं गनीमत है अब ये टीवी आने की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा अरे वो कलाम वो तो पढ़ा हुआ है वो शायद हमने सुना है इस तरह की बातें हो रही तो ये अगर आप मोबाइल को बंद कर दिए सोशल मीडिया में कलाम को लाना बंद कर दिया ना तो फिर खद्रीमत शायरी की और शायर की बढ़ जाती नहीं आपने जिस तरह बताया कि सोशल मीडिया पर अगर शोरा का कलाम ना आए या फिर उसको अपलोड नहीं किया जाता तो शायर की मांग में इजाफा होगा लेकिन दूसरा पहलू देखिए जब आपका कलाम देखते हैं दुनिया भर से लोग जी तब चचा पाल मोरी साहब बेहतरीन कलाम सुनाते हैं फौरी आपको मधु करेंगे तो इससे फ़ायदा भी ना ना कि नुकसान फ़ायदा किसका हुआ सामाइन का हुआ नहीं सामाइन का नहीं शायर साहब का शायर। लेकिन चचा पाल मोरी साहब जब सोशल मीडिया पर आते हैं उनका कलाम देखते हैं तो एक ऑर्गेनाइज़र साहब फौरी तौर पर अप्रोच होते हैं जी अरे भाई वाह चचा तो बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं इनको ये मुशायरे में मधु किया जाए रिकमेंड किया जाता है दूसरा ड्रॉबैक ये है कि भाई आपका कलाम मुसलसिल लोग देखते रहेंगे तो आपको याद ही नहीं करेंगे आपका कहना है <laughs> तो आप इस पर राजी है ये इस पर राजी है नहीं मैं तो <laughs> नहीं मैं तो हर दो पर राजी हूँ क्योंकि <laughs> नहीं नहीं आम खुलेआम बताइए <laughs> देखिए इस पर राजी रजामंदी की बात खुलेआम नहीं बताई जा सकती <laughs> अच्छा क्योंकि आपको अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से आपके कलाम को आम किया जा रहा है तो उसी कलाम को किसी मुशायरे में आप सुनाने की कोशिश करें तो अरे चाचा ना सुनाओ बोलते लोग ये तो बोलेंगे नहीं चाचा एक बात है इस बात से मैं इतफाक़ नहीं करता देखिए जो कलाम आप डिजिटल या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए सुनते हैं लाइव सुनना भी पसंद करते हैं ऐसी ऑडियंस भी आपको मिलेगी यानी दूरदर्शन के बजाय खरीब दर्शन से <laughs> जी बिल्कुल क्योंकि लाइव भाई देखिए आपको जब मधु किया जाता है जी। तो आप कुछ सुनाए उनका कहना यही होता है ना जी जी तो आपका वो कलाम जरूर सुनेंगे ऐसा मायूस ना हो आप <laughs> चलिए एक और कलाम सुनाएं। चलिए देखिए ठीक है फिर चलो मैं आगे बढ़ाऊँ बिल्कुल आगे बढ़िए उनके हाथों में मोबाइल स्मार्ट है किनके उनके हाथों में मोबाइल स्मार्ट है सेल्फी ले को पटाए तो मैं क्या करूं क्या हा हाथ हाथों में डाले मेरे बेहया गली गली घुमाए तो मैं, मैं क्या, क्या करूं? हाथ हाथ है डाले <laughs> मेरे बेहया गली गली घुमाए तो मैं क्या करूं मैं थका आंदा दफ्तर से लौटाया आया घर हाथ मुंह धो के सीधी किया जो कमर क्या बात है मैं थका मादा दफ्तर से लौट आया घर हाथ मुंह धो के सीधी किया जो कमर धीमे लहजे में कानों में रस घोल कर प्यार से वो बुलाए तो मैं क्या करूं? धीमे लहजे में कानों में रस घोल कर है। प्यार से वो बुलाए तो मैं क्या करूं जाग उठते ही झाड़ू लगाना तो है बर्तना धो के तालू खुजाना तो है जाग उठते ही झाड़ू लगाना तो है बर्तना धो के तालू खुजाना तो है जबके सर भर को उनके जुआ है मगर मेरी तालू खुजाए तो so, मैं क्या, मैं क्या करूं जब के सर सरभर को उनके जुआ है मगर है? मेरी तालू खुजाए तो मैं क्या करूं खोट नीयत में रत्ती बराबर ना था हसबे मामूल अल्लाह खसम ला लिया क्या बात है? खोट नियत में रत्ती बराबर न था हसब मामूल अल्लाह खसम ला लिया लाखो फूला लगाना तो मामूल था खुशबू उसमें न आए तो मैं, मैं क्या, क्या करूं, ला को फूला लगाना तो मामूल था खुशबू में ना आए तो मैं क्या, मैं क्या करूं शेर सुनिए वो भी बेसाख्ता सुन के जाते मचल वो भी बेसाख्ता सुन के जाते मचल मैं, मैं सुनाता था अक्सर जो उनको गज़ल पास उनके गज़ल का था नेमुल बदल वो हज़ल वो जो हज़ल वो सुनाए तो मैं क्या, क्या करूँ पास उनके गज़ल का था नेमुल बदल वो हज़ल जो सुनाए तो मैं क्या करूँ देखिए तंजु मिजा की शायरी बस यूँ ही तंज़ु मिजा में लेके जाना नहीं है तंजु मिजा में कुछ प्याम भी हो मैंने कोशिश इस बात की, की है कि मेरे हर कलाम में कहीं ना कहीं आपको सुधार का प्याम मिले आप सुनिए कि इसके अंदर मैं दो बन जो सुनाने जा रहा हूँ जी एक बन में निकाह सुनती फमन रगब सुन्नति फल मिलने वाली बात मिलेगी आपको और दूसरे बन में अलैहि वसल्लम अशरे मुबरे का जिक्र मिलेगा बैंड बाजे पटाखों की है गड़बड़ी और दावत में नल्ले तलक बैंड बाजे पटाखों की है गड़बड़ी और दावत में नल्ले तलक तड़ी दो खजूर एक वकील दो गवाह काफी हैं क्या बात है दो खजूर एक वकील दो गवाह काफ़ी हैं तईमाना पाए तो मैं, मैं क्या, क्या करूं क्या दो खजपूर एक वकील दो गवाह काफ़ी हैं ये तईमान पाए तो मैं क्या करूं अब उसका जिक्र जो है ना जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा मुबशर असरा चांद के साथ तारों के दसमा डला चांद के साथ तारों के दसमा डला चौदह सदियों से हासिल है दो आफरा कुरान सुन्नत चांद के साथ तारों के दस मॉडलॉँ चौदस सदियों से हासिल हैं दो आफरा रूबरू आज भी हैं वही आयने रूबरू आज भी हैं वही आईने लोगा चेहरा छुपाए तो मैं क्या करूं रूबरू रू आज भी हैं वही आईने लोग चेहरा छुपाए तो मैं क्या मखते का मुलाजा हो मेरी किस्मत में लिखो है दो आइटमा मेरी किस्मत में लिखो हैं दो एटमा बावजूद इसके आते हैं फोटवा <laughs> मेरी किस्मत में लिखो हैं दो एटमा बावजूद इसके आते हैं फोटवा मेरा फिगर ही ऐसा है चिच्चा हजरत रिश्ते घर बैठे, तो बैठे आए तो मैं क्या मैं क्या, करना? क्या, क्या बात है क्या बात है फिगर ही ऐसा है चिचा हजरत रिश्ते घर बैठे आए तो मैं क्या मैं करूं बहुत को बहुत जबरदस्त अच्छा लिखा आपने अच्छा चाचा अभी आप जो शायरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तीस पैंतीस साल गुजर गए हैं तो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा नौजवान नस्ल का तो नई नस्ल में शायरी का जो अक्स है आपको नज़र आता है या नहीं नई नस्ल में हाँ बिल्कुल नौजवानों में शायरी का अक्स नज़र आता है अब का ये काम है कि उसको निखारे हैं बहुत सारे लोग हैं लेकिन अभी तो तंजु के शुरा का दो फौदान है हम मुड़कर अगर देखें तो हमारे पीछे नस्ल अभी तैयार नहीं है ऐसा क्यों अब उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है मैं कैसे बताऊं क्योंकि आप पिछले कई सालों से तंज मिजा की शायरी कर रहे हैं जी और आपके साथियों को भी जब आप देखते हैं जी जी तो आप लोगों के जहन में यह बात कभी आई होगी कि तंजो मिज़ा की तरफ भी नौजवान नस्ल आए फिर इसको आगे परवान चढ़ाए जी जी बस बता दिया ना आपको मैं कि अब हमारे का एक काम है कि तंजु मिज़ा की शायरी को भी बढ़ावा दिया जाए वो किस तरह दिया जा सकता है मेरा सवाल आप शायर को तो बनाया नहीं चाहता शायर तो पैदा होता है तंजुमिजा जिन जिन शरा कराम में आपको नज़र आता है उनकी शायरी में मेरा यह मशवरा है कि वैसे शायर को आप आगे बढ़ाते जाएं। नहीं देखिए एक बात है चचा कि संजीदा शोरा फिर भी जी तंजुमिजा के शायरों से थोड़ा सा कुछ जा से नजर आते हैं जी लेकिन तंजु की जो शायरी करने वाले शोरा हजरत धीरे धीरे ख़त्म भी होते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ ना के बराबर है जी अगर आप हैदराबाद में देखें या फिर दूसरी जगह भी जितने मशहूर तंज मिजा के शायर थे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं सिर्फ उनका नाम रह गया है बस नहीं ऐसी हाल में तो तैयारी करनी चाहिए हजरात को या आप जैसे शोरा हजरात को नौजवान नस्ल को आगे किस तरह लाएं? लाया जा सकता है अब जिन में यानी तंजुमज़ा जिन में आपको जिनकी शायरी में कहीं ना कहीं तंज़ की भिनक भी अगर पड़ रही है तो वैसे शोरा को आप बाहर ला लाने का काम कर सकते हैं अब ये काम इस का है और ख़ुद मैं ये चाह रहा हूँ कि अब गिने चुने रह गए अब हैदराबाद जैसे मुकाम पर बल्कि आप देखिए बड़ी मुश्किल से तेलंगाना के अजला में एक चार पाँच शर्य कराम मिलेंगे हैदराबाद में एक चार पाँच बस ख़तम उससे बढ़ गई चले गए जितने बुजुर्ग लोग थे सब खैर हम भी जाने वाले हैं लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे पीछे जो नस्ल है उस नसल को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए ताकि तंज मिजाक फिर से सस्ती रहे।, रहे और फिर वो लोग भी अपना कलाम सुनाए फिर मज़ा मुशायरों की एक अलग ही पहचान पहचान है ना तो बरअल आप आए इतना वक्त दिया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छे अच्छे कलाम से नवाजा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला शुक्रिया तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाजत दें अल्लाह हाफिज आदाब हैदराबाद